हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है वाटर। यानी कि हमारी अर्थ में ऐसी सिचुएशंस और कंडीशंस बन पाए कि हमारी अर्थ में लाइफ स्टार्ट हो सके, सस्टेन कर सके, इवॉल्व कर सके, अपने अलग अलग फॉर्म्स ले सके। इसमें वाटर यानी कि पानी का कितना बड़ा रोल है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पानी बेस ऑफ लाइफ है, कि अगर किसी भी चीज में जान है तो उसे जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, वो भले ही पेड़ पौधे हो या अलग अलग तरह के जानवर हो। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही चीज देखेंगे कि किस तरीके से पानी हमारी अर्थ में अलग अलग फॉर्म्स लेता है और हर जगह पे पानी पहुंच पाता है, और किस तरीके से हमारे अर्थ में जितने भी समंदर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और किस तरीके से पानी मूव करता है हमारी पूरी अर्थ में, जिससे कि हमारे अर्थ के जितने भी अलग अलग हिस्से हैं वहाँ ऐसा टेम्परेचर और ऐसा मौसम बन सके कि वहाँ लाइफ सर्वाइव कर सके। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। तो ये वीडियो एक्चुअली एक समरी होगा, और जो बेसिक क्लासरूम वीडियो होगा जिसमें मैं एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसको मैं कभी यूट्यूब पे लाइव आके करूंगा। तो ये जो हमारी अर्थ है इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि स्पेस से देखने में हमारी अर्थ एक ब्लू कलर की बॉल नजर आती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ का जो सरफेस है उसके 70% हिस्से में पानी भरा हुआ है, और इन वाटर बॉडीज को हम इंसान ओशंस या समंदर कहते हैं। अब सुनने में तो ये लगता है कि हमारी अर्थ में पानी की कोई कमी नहीं, पानी बहुत है हमारी अर्थ में, लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि हमारी अर्थ में जितना भी पानी है उसका 97% हिस्सा समंदरों में पाया जाता है, और ये समंदर का पानी सॉल्टी होता है, यानी कि इसमें नमक मिला होता है, और ये नमकीन पानी किसी भी जानवर के पीने के लिए फिट नहीं है और बाकी अलग अलग कामों में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 97% पानी प्रॉपर पीने लायक नहीं है जानवरों के लिए, और हम इंसानों को भी काउंट कर रहे हैं उसी में। और जो बचा हुआ जो 3% पानी है ये है फ्रेश वाटर के फॉर्म में हमारी अर्थ में, और ये जो फ्रेश वाटर या मीठा पानी है दरअसल में यही पानी हम पीते हैं और पी सकते भी हैं। और ये जो 3% फ्रेश वाटर है हमारी अर्थ में ये भी अलग अलग फॉर्म्स में मौजूद है, जैसे कि जो ग्लेशियर्स हैं जो आर्कटिक सर्कल्स के में या फिर जो पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं ये फ्रेश वाटर का एक सोर्स है, और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से ही नदियां बनती हैं। और इसके बाद जो दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूशन में इन सोर्स आता है ये सरफेस वाटर, यानी कि जो जमीन के ऊपर जितना पानी पाया जाता है, चाहे वो नदियों के फॉर्म में हो, चाहे तालाब या झीलों के फॉर्म में, ये सब सरफेस वाटर में आता है, ये भी एक सोर्स है मीठे पानी का। और तीसरा जो एक बड़ा सोर्स है वो है ग्राउंड वाटर। जब हमारे अर्थ के सरफेस में पानी गिरता है और पानी एक जगह जमा रहता है तो थोड़ा सा पानी जमीन सोखते रहती है और नीचे जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर इकट्ठा होते चले जाता है, और ये सैकड़ों सालों के दौरान का प्रोसेस होता है। तो ये जो 3% फ्रेश वाटर हमारी अर्थ में है ये 3 अलग अलग फॉर्म्स में है, और किसी भी जगह में सिविलाइजेशन शुरू हो पाए, वहां पे लोग बस पाए और सैकड़ों सालों तक बसे रहें, और तभी वहां पे डेवलपमेंट भी होगा, एडवांसमेंट भी होगा। तो हमारी अर्थ में किन जगहों पे ऐसे इंसानों की बसावट हो पाएगी ये डिटरमाइन करता है कि उस जगह में पानी कितना मौजूद है। तो पानी किस जगह पे कितना है ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है हम इंसानों के इतिहास में, कि जहां जहां पे रिवर बेसिन्स रहे वहीं वहीं पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हो पाई एक्चुअली। और सिर्फ सिविलाइजेशन का शुरू होना नहीं, सिविलाइजेशन का एडवांसमेंट भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि उस जगह में पानी कितना है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अफ्रीका का जो हिस्सा है वो काफी इतना बड़ा इलाका है लेकिन वहाँ एक फिक्स्ड रेनफॉल पैटर्न नहीं है। तो अगर वहाँ लोग चाहें कि वो किसी जगह पे बस जाएं और सैकड़ों सालों तक बसे रहें एक शहर के तौर पे और एडवांस हो सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में, क्योंकि वह अनइवन रेनफॉल पैटर्न है। तो आपको मजबूरन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि एक स्टेबल सिविलाइजेशन के सेंस में अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा यूज नहीं हो पाया और वो इतना डेवलप नहीं हो पाए। और आज के टाइम पे भी दुनिया में जितने बड़े बड़े शहर हैं इनमें पूरी अगर इंसानियत की बात करी जाए तो 90% से ज्यादा लोग किसी ना किसी वाटर बॉडी के बहुत नियर अबाउट रहते हैं।
तो किस तरीके से पानी शुरुआत करता है किसी सिविलाइजेशन की, उनके एडवांसमेंट में, और किस तरीके से उनके डिमाइस में भी रोल प्ले करता है, यानी कि किसी सिविलाइजेशन के खत्म होने में, ये एक बहुत बड़ी नोटिस करने वाली चीज है। और पिछले 100-150 सालों के अंदर हुआ ये है कि जो शहर थे, शहरों में लोग आके बसते चले गए और शहर इकोनॉमिक सेंटर बनते चले गए किसी भी जगह का। तो पूरी दुनिया में ऐसे बड़े बड़े शहर बन गए और दूर दराज के इलाकों से लोग आके बसते गए उन शहरों में। और ये जो शहर थे, ये स्टार्टिंग में डिपेंडेंट थे वहां के सरफेस वाटर पे, कि उस शहर के आसपास से जो नदी बहती है उस पर डिपेंडेंट थे। लेकिन पिछले 100-150 सालों के अंदर इंसानों ने बहुत ज्यादा इस चीज पे एडवांसमेंट कर लिया कि वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच पाए। तो आगे पिछले 100-150 सालों में इंसानों का जो डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर पे, वो इतना ज्यादा हो चुका है कि आज के टाइम में बड़े बड़े शहर अपने ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हैं। अब सुनने में तो कोई ऐसे प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे भी एक कैच ये है कि ये जो ग्राउंड वाटर होता है, जो जमीन के नीचे जो पानी जमा होता है, ये ऐसा नहीं कि बस बारिश हुई और जमीन के नीचे पानी दोबारा से भर गया। जो ग्राउंड वाटर है ये धीमे धीमे रिचार्ज होता है, इसको बहुत लंबा टाइम लगता है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने में। तो हमारे जितने बड़े बड़े शहर हैं वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हैं, और ये ग्राउंड वाटर कम होता चला जा रहा है, और एक दिन में ये रिफिल हो भी नहीं पाएगा क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लगता है जमीन के नीचे पानी को जमा होने में, और इतना लंबा टाइम हम इंसानों के पास फिलहाल है नहीं। तो इस वजह से आप यहां से इस कैच से समझ पा रहे होंगे कि ये दुनिया फेस कर रही है वाटर क्राइसिस। पूरी दुनिया में पानी है लेकिन पानी की फिर भी कमी है। और पानी, मैं आपको बता चुका हूं, ये बेस ऑफ लाइफ है, जितने भी जीव जंतु हैं सबको प्यास लगती है, और पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पानी के बजाय किसी चीज का इस्तेमाल कर लो और जी पाओ। और पानी सबको चाहिए, सारे जीव जंतुओं को, सारे जानवरों को। कोई जानवर कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, उसे भी पानी ही पीना है, और कोई जानवर कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे भी पानी पीना है, और सबको साफ पानी चाहिए। ये पानी एक ऐसी चीज है जो कैपिटलिज्म या समाज के रूल्स नहीं देखता है। और अगर पानी की कमी हो रही है, और अगर ऐसा हो जाए कि पानी बहुत महंगा हो जाए भविष्य में, तब भी ये चीज कभी मत भूलिएगा कि सारे जानवरों को पानी चाहिए, और अगर नहीं मिला तो यहां से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में वाटर स्कार्सिटी का टच दिया गया है। अब इसके बाद इस चैप्टर में जिक्र किया गया है वाटर साइकिल का, कि किस तरीके से पानी अपने अलग अलग फॉर्म्स लेता है और अलग अलग जगहों तक पहुंच पाता है। तो आपने ये चीज देखी होगी कि किसी जगह में अगर पानी गिर जाता है तो थोड़ी देर के बाद अगर आप देखें तो वो गायब हो जाएगा वहां से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंदर एक लेटेंट हीट होती है, यानी कि छिपी हुई गर्मी होती है पानी के अंदर, जिस वजह से वो पानी भाप बन जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। और हमारे अर्थ में जितना भी पानी है वो आहिस्ते आहिस्ते इवेपोरेट होता रहता है, और लिक्विड फॉर्म से वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये पानी जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो एक्चुअली ऐसे ही वेपर्स जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो इन्हें फिर क्लाउड्स या बादल कहा जाता है। और ये पानी के जो क्लाउड्स हैं या पानी के जो बादल हैं, जब वक्त के साथ थोड़े से ठंडे होते हैं तो वहां पे फिर प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि जब पानी की जो भाप है वो दोबारा से पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होता है। तो जो ऐसे बादल होते हैं, जब वो बादल थोड़े से ठंडे होते हैं तो उनके अंदर जो वेपर है उनमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनना शुरू होती हैं। और जिस तरीके से ये बादल थोड़े से और ठंडे होते हैं तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से मिलते रहते हैं और बड़ी बूंदे बनाते हैं। और जब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बड़ी बूंदे बना देते हैं तो ये बादल उन बूंदों को संभाल नहीं पाते और ये बूंदे गिरने लग जाती हैं, और इस चीज को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और इसी तरीके से बारिश होती है, और जब बादल बहुत ही ज्यादा ठंडे हो जाते हैं तो ये जो बूंदे होती हैं लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाती हैं, ये पानी बर्फ में बदल जाता है, तो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। और इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से फिर बर्फ गिरती है, या फिर जो ओले गिरते हैं, या फिर स्लीट आप कह लीजिए। तो ये वाटर साइकिल होता है कि पानी अपने फॉर्म्स बदलता है, एक जगह से पानी उड़ता है, भाप बनती है, बादल जाते हैं किसी और जगह और वहां पानी बरसता है।
तो ये भी काफी मैजिकल सी चीज है कि किस तरीके से हमारी अर्थ में लाइफ बन पाई। और ये जो हमारी अर्थ है ये एक टेरेरियम है। टेरेरियम किस चीज को कहते हैं? तो टेरेरियम एक क्लोज्ड कन्फाइंड स्पेस को कहते हैं जिसमें इंडोर प्लांट्स को उगाया जाता है। टेरेरियम बनाने के लिए एक बड़ा सा ग्लास का कंटेनर लिया जाता है, उसमें पत्थर डाले जाते हैं, कंपोस्ट डाली जाती है, थोड़ी मिट्टी डाली जाती है और उसमें थोड़े बहुत पौधे लगा दिए जाते हैं और उसमें फिर डाला जाता है खूब सारा पानी और फिर इस ग्लास के कंटेनर को बंद कर दिया जाता है। तो अब क्योंकि ग्लास का कंटेनर सील पैक्ड है तो उसके अंदर जितना भी पानी है वो बाहर नहीं जा सकता और बाहर से पानी अंदर नहीं आ सकता। तो उस ग्लास कंटेनर के अंदर जो पानी है वो वहीं पे इवेपोरेट होता है, थोड़े से टाइम के बाद कंडेंस होता है और इस तरीके से वो वाटर साइकिल उस ग्लास के अंदर ही चलती है और इस तरीके से वहां पौधे उगने लग जाते हैं और लाइफ स्टार्ट हो जाती है छोटे से ग्लास के कंटेनर के अंदर। तो इसी तरीके से जो टेरेरियम है यही कॉन्सेप्ट हमारे अर्थ में है कि हमारी अर्थ भी एक टेरेरियम है। हमारी अर्थ में जितना भी पानी है ऐसा नहीं है कि वो पानी कहीं बाहर चले जाता है या बाहर से पानी अंदर आ सकता है। हमारी अर्थ का पानी कॉन्स्टेंट है और वो सर्कल करता रहता है हमारी पूरी अर्थ में। पंजाब के खेतों में जो पानी बह रहा है कभी किसी जमाने में वही पानी अमेजन नदी में रहा होगा और कभी कोई ऐसा वक्त रहा होगा कि वही पानी अंटार्कटिका की बर्फ में रहा होगा। तो इस तरीके से जो एक ही पानी है हमारी पूरी अर्थ में वो साइकिल कर रहा है। और एक और खास चीज, हमारी अर्थ में जितना भी पानी, अगर आप समंदरों की बात करें तो पानी हमेशा मूवमेंट में रहता है। ऐसा नहीं होता है कि इंडियन ओशन का जो पानी है वो इंडियन ओशन में ही रहेगा, अटलांटिक ओशन का पानी अटलांटिक ओशन में ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। पूरे दुनिया के समंदर जो हैं वो हम इंसानों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं वाटर बॉडीज को, थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करने के लिए, याद रखने के लिए कि ये अलग अलग जगहें हैं, लेकिन पूरी दुनिया के वाटर बॉडीज एक हैं, एक्चुअली मिले हुए हैं एक दूसरे से। तो जितना भी पानी है वो मूव करता रहता है पूरी अर्थ में और इस तरीके से हमारी अर्थ में ये लाइफ लाता है। जिस तरीके से हमारे शरीर में खून बहता है और पूरे बॉडी के अलग अलग इलाकों में न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है और पूरी बॉडी में सर्कल करता रहता है हमारा ब्लड, इसी तरीके से अर्थ में ये पानी सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करते हुए हमारे अर्थ में जो लिविंग कंडीशंस को रेगुलेट करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे अर्थ का। और इसके बाद इस चैप्टर में बताया गया है पानी के मूवमेंट्स के बारे में कि समंदरों में जो मूवमेंट है पानी का वो किन किन अलग अलग फॉर्म्स में होता है। तो जो बेसिक फॉर्म्स हैं मूवमेंट के इस पानी के वो हैं वेव्स के फॉर्म में, या पानी में जो लहरें उठती हैं उन्हें कहते हैं वेव्स। इसके बाद सुनामीज के बारे में हम जानेंगे कि जब समंदर के नीचे कभी कोई अर्थक्वेक आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और वो सी शोर्स में आके काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती हैं, तो हम सुनामीज के बारे में जानेंगे। हम टाइड्स के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे ओशन करेंट्स के बारे में। इन सब चीज़ों का हल्का हल्का सा आइडिया लेंगे।